आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है जया मिश्रा जेडी और आज मैं लेकर आई हूँ एक किताब की समरी। किताब का नाम है ब्रेन रूल्स और इसके 12 रूल्स, जिसे लिखा है जॉन मेडियरा ने। इस बुक में दिए गए हैं 12 रूल्स जिन्हें फॉलो करके हम अपने पढ़ने, लिखने, सीखने, काम करने की शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस है, टीचर हो, ये 12 तरीके आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे और डेली लाइफ में आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रूल से। रूल फर्स्ट, हमारा मस्तिष्क समय के साथ विकसित हुआ है। जब भी बात एवोल्यूशन की आती है तो हम केवल बॉडी के बारे में सोचने लगते हैं, परंतु सच तो ये है कि ब्रेन की एवोल्यूशन भी बॉडी जितनी इम्पॉर्टेंट है। हमारा मस्तिष्क समय के साथ उभरती नई समस्याओं को हल करने के लिए विकसित हुआ है। मस्तिष्क की एवोल्यूशन ने ही हमें लोगों की भावनाओं को समझने में सक्षम बनाया। यदि हम दूसरों को ना समझते तो एक समाज नहीं बनता और हम कभी भी धरती के सबसे शक्तिशाली प्राणी नहीं बन सकते। रूल दूसरा, एक्सरसाइज से ब्रेन की पावर बढ़ती है। एक्सरसाइज से आपकी ब्रेन को ब्लड मिलता है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। ये ना केवल ब्रेन को एनर्जी देता है बल्कि ये टॉक्सिक इलेक्ट्रॉनों को भी बाहर निकालता है। इससे हमारे शरीर में मौजूद प्रोटीन्स और न्यूट्रॉन्स से संपर्क बनाए रखने में भी सहायता होती है। एक्सरसाइज आपके शरीर को आपके द्वारा खाए गए भोजन से ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर के सभी ऊतकों मतलब टिश्यूज में रक्त का प्रवाह बढ़ता है और जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है आपका शरीर भी नई रक्त वाहिकाओं का उत्पादन करना शुरू कर देता है। इससे रक्त को अपना काम जैसे कि विटामिन को और खनिज को इधर उधर ले जाने और गंदगी से छुटकारा पाने में आसानी होती है। एवोल्यूशन भी इस बात का उदाहरण देती है कि हमारे पूर्वज व्यायाम करते थे। मान के चलते हैं कि होमो सेपियंस भोजन की खोज में प्रतिदिन 10 से 20 किलोमीटर तक चला करते होंगे। इसका अर्थ ये है कि एक्सरसाइज के निरंतर अभ्यास से ही हमारा दिमाग विकसित होता है। रूल तीसरा, अच्छी नींद अच्छा जीवन। हर व्यक्ति का एक नेचुरल स्लीप साइकिल होता है जिसे फॉलो करने पर आप बेहतर सोचते और महसूस करते हैं। आखिर नींद करती क्या है जो इसे इतना आवश्यक बनाया जाता है या सोचा जाता है कि ये बहुत जरूरी है। सीधे शब्दों में कहें तो नींद हमारे दिमाग और शरीर को आराम देती है जिससे वो नए सिरे से फिर दोबारा सोच सके और वो नए से हो जाते हैं। जब आप पूरी नींद नहीं लेते तो आपकी फोकस करने की पार, ब्रेन फंक्शन, मेमोरी, मूड और लॉजिकल थिंकिंग वक्त के साथ डैमेज हो जाती है। ऑथर का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता है। वो दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और चीजों को लर्न कर रहा होता है। लेकिन हमारे लिए प्रॉपर स्लीप और नेप्स लेना बहुत जरूरी है और एक प्रोडक्टिव ब्रेन के लिए ये जरूरी है। इसलिए अपना ख्याल रखें और पूरी नींद लें। यह आपके मस्तिष्क को बेहतर ढंग से कार्य करने में अवश्य लाभदायी होगी। रूल चौथा, तनाव आपको दुर्बल बनाता है। तनाव आपको दुर्बल बनाता है, इससे आपकी सोच और याददाश्त खराब हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में तनाव को कम से कम करने का प्रयास करें। आपने शायद फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के बारे में सुना होगा। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में हम एक इस रिएक्शन का अनुभव करते हैं। आमतौर पर ये रिएक्शन हमें खतरे से दूर रहने में मदद करती है। दरअसल तनाव हमें अपनी रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। ये पुराने समय में हमारे जीवन को बचाने में काफी सहायक था, लेकिन अधिक तनाव हानिकारक है। जब आप तनाव महसूस करने के आदी हो जाते हैं तो आप अक्सर नियंत्रण की भावना को खो देते हैं और समस्याओं के सामने खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं।
तनावपूर्ण व्यक्ति का दिमाग किसी भी तरह का कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि प्राचीन काल में हमारा मस्तिष्क खतरों का अनुभव करने के लिए तैयार रहता था। हम आज भी छोटे छोटे संकटों को कभी कभी बड़ा समझने लगते हैं। साइंस की भाषा में इसे कैफमैन सिंड्रोम कहते हैं। चूंकि हम प्राचीन हार्डवेयर पर आधुनिक सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारा दिमाग लगातार छोटे खतरों को बड़ा करके देखता है। इसी डर से हम अक्सर अच्छे अवसर भी खो देते हैं। रूल 5वां, सबके दिमाग के तार अलग तरह से जुड़े होते हैं। हर एक इंसान का ब्रेन बिल्कुल अलग होता है और ये हालात और समय के साथ बदलता रहता है। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे प्लास्टिसिटी कहते हैं, क्योंकि हमारे हालात, पर्यावरण और हमारा समय कभी भी एक समान नहीं होता। हमारे मस्तिष्क की संरचना भी इसी तरह से बदलती रहती है। मस्तिष्क में बदलाव की प्रक्रिया जीवन भर जारी रहती है, इसलिए हर कोई व्यक्ति एक अनोखे मस्तिष्क के साथ पैदा होता है। ये अनोखे दिमाग हर जानकारी को अनोखे तरीके से स्टोर करते हैं। आप जीवन में क्या करते और सीखते हैं, वो शारीरिक रूप से मस्तिष्क को बदल देता है। हर व्यक्ति का मस्तिष्क अपने अनूठे तरीके से विकसित होता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि IQ टेस्ट आपकी इंटेलिजेंस को बताते हैं, परंतु अब भी कुछ ऐसी इंटेलिजेंस है जिसे कोई IQ टेस्ट परख नहीं सकता। रूल 6, हमारा मस्तिष्क बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। हमारा दिमाग नई उत्तेजनाओं पर ध्यान देने के लिए तैयार रहता है। टीवी, फिल्में, वीडियो गेम और इंटरनेट जैसे माध्यमों को ही देख लें, ये लगातार बदल रहे हैं। हर नए सेकंड में ध्यान देने के लिए नई चीजें सामने आ जाती हैं। यही कारण है कि उन पर ध्यान देने से समय बर्बाद करना इतना आसान हो गया है। दूसरी तरफ, क्या आपने कभी मेडिटेशन करने की कोशिश की है? क्या बस यूं ही कुछ मिनटों के लिए खाली कमरे में बैठते हैं? अगर आप ऐसा करें तो आपको महसूस होगा कि ऐसा करने पर कुछ मिनटों में आप एंशियस हो जाते हैं और आपका दिमाग कुछ नया खोजना शुरू कर देता है। यदि आपका काम लोगों की अटेंशन और समय बटोरने से चलता है, तो ये समझ लें कि मानव मन को नवीनता की कितनी आवश्यकता है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो उनका ध्यान खींचने के लिए हर 10 मिनट या उससे कम समय में एक नया विचार पैदा करें। रूल 7, याद रखने के लिए दोहराएं। हम सब कुछ जानकर पैदा नहीं होते जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। हम या तो अनुभव या शिक्षण के माध्यम से सीखते हैं। ये सब सीखने के लिए कोई रिकॉर्ड बटन नहीं है जिसे कभी भी दबाया जा सके। हाँ, कुछ लोग बहुत असाधारण दिमाग और मेमोरी के साथ पैदा होते हैं, पर जैसा हमने कहा कि सबके दिमाग के तार बिल्कुल अलग तरह से जुड़े हुए होते हैं। हर व्यक्ति चीजों को अच्छे से याद रख सकता है यदि वो उस बात के साथ जुड़े माहौल को याद रखे। कौन सी बात किस जगह सुनी थी, अगर ये याद रहे तो बात क्या भी है ये भी आसानी से याद रहती है। हमारा दिमाग हमें केवल वास्तविकता का एक अनुमानित दृश्य देता है, क्योंकि वह नई यादों को अतीत की यादों के साथ मिलाकर उन्हें एक साथ स्टोर करता है। दीर्घकालिक स्मृति को अधिक विश्वसनीय बनाने का एक तरीका ये है कि नई जानकारी को धीरे धीरे दिमाग में शामिल करें। रूल 8, एक साथ अधिक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करें। हम अपनी सेंसेस के माध्यम से एक घटना के बारे में जानकारी को इकट्ठा करते हैं। यही सेंसेस फिर उस जानकारी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर उन सिग्नल को ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में भेजती है। हर व्यक्ति के दिमाग में मौजूद इंद्रियां नई जानकारी को पुरानी यादों से जोड़कर देखती है, जिसके कारण हर व्यक्ति हर हालत में अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। हमारी हर इंद्री एक साथ मिलकर कार्य करती है, जैसे देखना और सोचना, सूंघना और खाना आदि। इस बात का अर्थ ये है कि ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करने से हमारे मस्तिष्क का ज्यादा बेहतर प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप कुछ पढ़कर याद करने का प्रयत्न करते हैं, तो कोशिश करें कि उसे ना केवल देखें बल्कि पढ़ें, बोलें और सोचें भी। रूल 9, दृष्टि अन्य सभी इंद्रियों से बेहतर है। हमारी दृष्टि सबसे बेहतर इंद्री है। जब भी हम अपने विजन का प्रयोग करते हैं तो दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा एक्टिव हो जाता है।
विजुअल एनालिसिस हम कई चरणों में करते हैं। रेटिना को इकट्ठा कर एक जानकारी से भरी फिल्म बनाती है। विजुअल कॉर्टेक्स में ये जानकारी गति अथवा रंग के अनुसार रिकॉर्ड होती है। अंत में हम उस जानकारी को पुनः संयोजित करते हैं ताकि वो हमें दिखाई दे सके। परंतु ये भी सच है कि हम जो भी देखते हैं जरूरी नहीं वो सही हो। कभी कभी हमारा ब्रेन हमें कुछ सामने हो रही चीजें नहीं दिखाता और कभी कभी जो ना हो रहा है वो भी दिखाता है। पर ऐसा बहुत असाधारण अवसरों पर ही होता है। ज्यादातर जो चीजें हमें नजर आती हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। इसलिए अगर आप भी अपने मस्तिष्क की याद रखने की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो चीजों को सिर्फ सुनना नहीं देखना भी शुरू करें। रूल 10वां, अपनी कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाने के लिए अभ्यास करें और सुने। औपचारिक संगीत फॉर्मल म्यूजिक में प्रशिक्षण से कई कॉग्निटिव डोमेन के इंटेलेक्चुअल स्किल्स में सुधार होता है। संगीत प्रशिक्षण वाले लोग बातों में भावनात्मक जानकारी का बेहतर तरीके से पता लगाने में सक्षम होते हैं। संगीत सीखने वाले बच्चों और नौजवानों में अपने हम उम्र लोगों से बेहतर सोशल स्किल्स पाए जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, जो लोग संगीत सुनते या गाते हैं उनका स्वभाव भी बहुत सहज होता है। संगीत से मन शांत रहता है। दुनिया में अनेक प्रकार का संगीत है जो मस्तिष्क पर अलग तरह का असर करता है। कुछ साउंड वेव्स फोकस करने में मदद करती हैं, जिनसे कंसंट्रेशन बढ़ती है। रूल 11वां, आदमी और औरत का मस्तिष्क एकदम अलग होता है। जी हाँ, आदमी और औरत के केवल फिजिकल फीचर्स ही नहीं बल्कि दिमाग में भी बहुत अंतर होता है। इस अंतर का मुख्य कारण दोनों में पाए जाने वाले अलग क्रोमोसोम्स हैं। एक महिला का मल मस्तिष्क बहुत जटिल होता है क्योंकि उनके सेल्स में माता और पिता दोनों के एक्स क्रोमोसोम होते हैं। वही लड़कों में एक्स क्रोमोसोम केवल माँ से आते हैं और वाई क्रोमोसोम पिता से। इन वाई क्रोमोसोम से बहुत कम जीन्स आती हैं, तभी लड़कों का मस्तिष्क एटम उलझा हुआ नहीं होता। आपने महसूस किया होगा कि हर परिस्थिति में आदमी और औरत का इमोशनल रिस्पॉन्स भी अलग होता है। इसका मुख्य कारण भी मस्तिष्क का अंदर का हिस्सा ही है और इसका अंतर है। रूल 12वां, हम बहुत शक्तिशाली हैं और हम खोज करने के आदी हैं। बच्चे इस बात का सबसे बेहतर उदाहरण है जो बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे सीखता है। हम अपने पर्यावरण के सक्रिय परीक्षण के माध्यम से उसके अवलोकन एनालिसिस परिकल्पना प्रयोग और निष्कर्ष के माध्यम से सीखते हैं। हमें आदत है नई चीजें खोजने की, उनके बारे में जानने की। जो हमारे दिमाग की समझ से बाहर होता है वो उसे रास नहीं आता, इसलिए वो निरंतर खोज करता रहता है। इसी खोज का फल है कि आज मानव जाति पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली है। तो ये थे दिमाग के 12 रूल्स। तो ये थे हमारे दिमाग के 12 रूल्स। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर मेरी आवाज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके नहीं मतलब सच में मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अच्छी चीज़ें ना अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर की जानी चाहिए। तो इसे शेयर ज़रूर कर दें। और मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया।